नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन में रूस का युद्ध नरसंहार के बराबर। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेनी होने के विचार तक को मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। देवघर में रविवार को हुई रोपवे दुर्घटना में 1500 फुट की ऊंचाई पर फंसी केबल कार में फंसे थे दो छोटे बच्चे। ढाढ़स बांधने के लिए वायुसेना के एक गरुड़ कमांडो ने पूरी रात गुजारी उनके साथ। दोनों बच्चों को बारी बारी से अपनी गोद में बिठाकर गरुड़ कमांडो ने हेलीकॉप्टर में पहुंचाया। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के सबवे स्टेशन में गोलीबारी, 13 लोग घायल, दो की हालत गंभीर। पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर वहां से कुछ बिना फटे बम भी बरामद किए। न्यूयॉर्क पुलिस को ब्रुकलिन में एक खाली यू हॉल वैन मिली है जिसका विवरण और लाइसेंस प्लेट नंबर उस वाहन से मेल खाता है जिसकी मंगलवार को एक सबवे स्टेशन पर हुई गोलीबारी के संबंध में तलाश की जा रही है। देश में हैकर्स का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय साइबर हमले का शिकार, सिस्टम सोमवार से बंद। खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से मार्च में खुदरा महंगाई दर में जोरदार उछाल। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 6.95% पर पहुंची। 11% बढ़े सब्जियों के दाम, अनाज, मसाले, कपड़े और फुटवेयर पर भी महंगाई की मार। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1088 नए मामले। कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,38,016 हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 10,870। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के विमान से टकराया ट्रैक्टर। विमान में 182 यात्री थे सवार, डीजीसीए ने शुरू की जांच। कलकत्ता हाई कोर्ट का पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका। नाबालिग से रेप और हत्या की सीबीआई करेगी जांच, निष्पक्ष जांच के लिए लिया फैसला। चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रन से हराकर आईपीएल 2022 में 5 मैचों में पहली जीत दर्ज की। बेंगलुरु की 5 मैचों में दूसरी हार। यदि फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।